वेलकम टू वैशालीज किचन एप्टन। आज हम बनाने वाले हैं बटर कुकीज़। बच्चे भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ, तो चलिए देखेंगे कैसे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है अमूल बटर, 2 पैकेट लिया है, 1.5 कप मैदा, 1/2 कप मैंने पाउडर शुगर लिया है और 1 चम्मच वैनिला एसेंस। हमें इन 4 चीज़ों की ही ज़रूरत लगने वाली है। सबसे पहले हमें बटर और शुगर को बीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बटर निकाला है और इसे रूम टेम्परेचर पर मैंने रख दिया था। अब हम इसे 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे पूरा अच्छे से बटर को। हम इस कुकीज़ में नमक नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमारा बटर है वो सॉल्टेड है, इसलिए हम बिल्कुल भी नमक नहीं डालेंगे। अगर थोड़ा सा भी नमक डाल देंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं हमारा बटर बीट करके हो चुका है, इसमें मैं 1/2 कप जो शुगर पाउडर लिया था उसे हम छान के डालेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे, और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। साइड में जो लग जाती है शुगर उसे भी स्पैटुला से निकाल कर बीट कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1 चम्मच। जो हमने आटा लिया है वो हमें एक साथ नहीं डालना है, उसे हम 3 बैच में डालेंगे। देखिए थोड़ा आटा मैंने अभी डाल दिया है। इस तरह से साइड में जो आटा लग जाता है उसे स्पैटुला से निकाल देंगे। ये भी दूसरा बैच डाला है हमने, 1.5 कप आटा लिया है पूरा। जो मेजरमेंट कप होते हैं उससे मैंने इसे मेजरमेंट किया है। अब ये बचा हुआ सारा आटा डाल दिया है। ये कुकीज़ बनने में हमें पूरा 1/2 घंटा लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर सभी चीज़ें हमारे पास है तो हम इसे 1/2 घंटे में बनाकर खा भी सकते हैं, क्योंकि इसका बेकिंग टाइम बहुत ही कम है, 10 से 12 मिनट में ये कुक हो जाती है। देखिए हमने आटे को भी अच्छे से, इसमें आटा, बटर और शुगर सभी चीज़ें हमने अच्छे से बीट कर ली है। अब हम पाइपिंग बैग लेंगे। मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग ली है, कट कर दी है आगे से, और मेरे पास जो आइसिंग के नोज़ल है वो मैं इसमें डाल दूँगी। और जो हमने बैटर बनाया है कुकीज़ का उसे मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। ये 2 अलग अलग डिज़ाइन के नोज़ल्स डाल दूंगी उसमें। और एक ग्लास में इसे डालकर इसके अंदर फिलिंग भर दूंगी। 2 बैग्स हो चुके हैं। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें मैं डालूंगी कोको पाउडर। यहाँ पर मेरे पास हर्षी का कोको पाउडर है, मैं 1 चम्मच कोको पाउडर डालूँगी और इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें शुगर पाउडर भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, लेकिन अगर आप मीठा पसंद करते हो तो डाल सकते हैं। अगर आपका ये बैटर बहुत थिक लगता है आपको तो बस 1 चम्मच दूध आप इसमें मिक्स कर सकते हो। देखिए ये तीनों भी पाइपिंग बैग मैंने भर दिए हैं। अब ट्रे में मैंने बटर पेपर रख दिया है, हमें ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। और इस तरह से छोटी बड़ी सब साइज की अलग अलग डिजाइंस की हम लोग कुकीज़ बना लेंगे। देखिए नोज़ल से बहुत सुंदर बनती है।
बेक करने के लिए ज़्यादातर एल्यूमिनियम का जो ट्रे होता है वो ही यूज़ कीजिए। जो कोटेड ब्लैक कोटेड जो ट्रे होते हैं वो उसमें अगर आप कुकिंग के लिए कुछ भी रखते तो वो बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए हो सके तो एल्यूमिनियम के ट्रे ही यूज़ कीजिए। यहाँ पे मेरे पास जो चोको चिप्स है वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ और कुछ स्प्रिंकल्स है कलरफुल, वो भी इसके ऊपर सजा दूँगी। अवन मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया है 160 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखें 10 मिनट ही रखना है, 10 मिनट के बाद हमें देखना है बार बार। 10 से 12 मिनट में ही ये कुक हो जाती है। देखिए 12 मिनट लगे हैं पूरे, ये अच्छे से कुक हो चुकी है। ये बहुत डेलिकेट होती है, अगर थोड़ा भी समय ज़्यादा हो जाता है कुकिंग का ये जलने लगती है। देखिए कितनी मस्त बनी है, बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप भी इसे ज़रूर बना के देखिए, देखिए डिज़ाइंस कितना अच्छा बना है इसका। ये छोटी छोटी कुकीज़ बहुत ही अच्छी लगती है ना, बहुत ही आसान तरीका कुकीज़ बनाने का। ये बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और इसे ज़रूर क्रिसमस के लिए बना के देखिए। बच्चे भी इसे आसानी से बना सकेंगे। देखिए कितनी सॉफ्ट है।